Assalamu alaikum guys, welcome back. This is lecture 2 of our NumPy course which we designed for fluid patient intake. This course, is lecture ke andar hum kya padhenge janab? Hum check karenge ki kaun kaun si types ho sakti hain, kaun kaun si data types cell ki ho sakti hain, float ho sakti hai, sab kuch dekhenge, theek hai. Uske baad uski complex ho sakti hai, theek hai, rational ho sakti hai, kaun si cheeze dekhenge. Uske baad kuch operations apply karenge array ke upar aur kuch scalar operations jo hote hain, scalar जो कि सिंपल वैल्यू हो, आम जैसे 2, 3, 4 ऐसी, एंड एरे जो हम पढ़ चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, इनके दरमियान कुछ ऑपरेशंस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं numpy एस एन पी को, एंड इंपोर्ट का स्पेलिंग गलत, ओके. एंड अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू बनाते हैं, डाटा एरे बनाते हैं numpy डॉट अरेंज, क्योंकि अरेंज एक अच्छा फंक्शन है, इसे यूज कर लेते हैं numpy numpy dot range. ओके, रेंज मुझे चाहिए 100 एलिमेंट्स का रहे, एंड मैं इसे रीशेप कर लेता हूँ और 50 रोज बना लेता हूँ, इसे कर लेता हूँ 25 रोज बना लेता हूँ, 4 कॉलम बना लेता हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो. और एक एरे वेरी गुड रीशेप एरे साइज 1000 का कर दिया मैंने, 100 कर लेते हैं. ठीक है, अब ठीक है, डाटा प्रिंट करता हूँ. ठीक हो गया, ये उसने दे दिया. ठीक है, अच्छा करना क्या है, हमने इसकी टाइप चेक करनी है. मैं जब बना रहा हूँ, रेंज कर रहा हूँ इसको, तब मैं इसकी टाइप भी बता सकता हूँ. मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ, आप इसकी डाटा भी बता सकते हो. अब इसकी जो टाइप है वो चेक करते हैं क्या है. ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डाटा और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, टाइपो नहीं, इट्स नॉट टेम्पो या टाइप, इट्स टाइप. ओके, स्पेलिंग क्या है इसके, ये स्पेलिंग है शायद. और इसकी मैं टाइप चेक करता हूँ, वो कहता है एन डी एरे. ठीक है, मैं इसके एलिमेंट की टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, कोई भी ले लो. एक मिनट, तो रीशेप किया हुआ है मैंने, वो कहता है इन 32 है. ठीक है, इसके एक एलिमेंट की टाइप डेटा टाइप कौन सी एलिमेंट की, वो कहता है इन 32 है, इंटीजर 32 है, 32 बिट का. तो मैं डेटा टाइप कर देता हूँ, 7 दे देता हूँ. ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्लोट फ्लोट 64. ठीक है, वो कहता है फ्लोट 64 इज नॉट डिफाइंड. बिल्कुल सही कहता है, क्यों नहीं डिफाइंड मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट. FLOAT. ठीक है, अब देखो एंटर करता हूँ, कोई मसला नहीं है. अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्लोट 64, उसकी बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 होती है. अगर आपने फ्लोट 64 रखनी है तो जनाब आपको फ्लूइड की तरह बहते हुए इसको फ्लोट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये इसकी होगी फ्लोट 64. अगर आपको इसकी I32 करनी है तो आप कर सकते हो. बस यार क्या हो जा रहा है, फिर I32 मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ेगा जनाब. और बाइट फाइल इसकी जो होती है मुझे नहीं पता, 32 होती है. यहाँ पे आप 64 लिख सकते हो जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं लिख सकते, लिखना भी मत, वो गलत कर एंटर दे देगा आपको यार. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है, अब एक और चीज़ होगी numpy डॉट, ये चीज़ मैंने एक जगह पढ़ी थी, चेक करते हैं चलती है नहीं. हाँ ऐसे चलता है वो, फ्लोर 64 या इंट 64 आप कर सकते हो numpy के साथ. मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे याद आ गया, मेमोरी शार्प है काफ़ी हद तक. अच्छा ठीक है, ये होगी इसकी टाइप्स, इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इसके अंदर I32 हो सकता है. गूगल से चेक कर लेते हैं कौन कौन सी इसकी टाइप मौजूद है, काफ़ी है मुझे, जब जो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ना आपको याद करना है ना टेंशन लेनी. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, जब जो पड़ेगी आप टाइप कास्टिंग कर लेना, कोई मसला नहीं है. ऑफ numpy array एलिमेंट्स, या इसे डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, डाटा टाइप क्या हो गया है, बरसा डाटा टाइप ऑफ व्हाट numpy array, कौन कौन सी हो सकती हैं, लिखा इसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट की, डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, काफ़ी लिखी होंगी. ठीक है, आप भी देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है. ये देखो इसकी, इसने कहा कहाँ लिख रही है, ये देखो फ्लोट हो सकती है, कम्प्लेक्स फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, यू अनसाइंड इंटीजर हो सकती है, UINT स्ट्रिंग हो सकती है. मैं यहाँ पे आपको अनसाइंड भी करके दिखा देता हूँ अगर हो जाए तो, नहीं तो बढ़िया. ठीक है, अभी उसी एक मिनट, किधर किया मैंने, यहाँ पे जो लिखना होगा अनसाइंड इंटीजर 64 होगा. ठीक है, अनसाइंड होता है कि जिसकी साइन ना हो, जो सिर्फ पॉजिटिव हो, और साइंड होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो. ठीक है, इसे बोलते हैं, अगर आप यू नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये साइंड होता है. हाँ, इसमें फ़र्क क्या है, अनसाइंड का मतलब है इसमें अब कोई भी वैल्यू साइन नहीं, सारे सारे पॉजिटिव है. अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल
मैं डाटा जीरो जीरो कॉलम और फर्स्ट रो के ऊपर जो एक एलिमेंट उसकी वैल्यू मैं माइनस टू कर देता हूँ तो एरर देगा मुझे वो। अब ये एरर मुझे लीक करवाता है। अच्छा उसने क्या किया, उसकी वैल्यू ये जीरो थी और ये वन पे उसकी वैल्यू उसने चेंज कर दी है, गार्बेज वैल्यू दी थी ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो आपकी इसकी वैल्यू देखो क्या आती है, ये उसकी वैल्यू है कोई भी, ठीक हो गया। मैंने क्योंकि अनसाइन इंट लिखा हुआ है मैं इसे छोड़ देता हूँ और अब देखता हूँ भाई एक मिनट तो कर क्या रहा है मेरे साथ। जस्ट अ मिनट अब चला के देखता हूँ। और ये देखो उसने मुझे क्या आंसर दिया है। अच्छा ये आप हम इसको देख रहे परेशान हो रहे हैं, ये नहीं है ये चीज़ है ठीक है। ये इसकी वैल्यू है वन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनसाइंड इंट ठीक है। अब देखता हूँ कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है अनसाइंड है। अब क्या करता हूँ इसकी एक चेंजिंग करता हूँ, मैं इसे माइनस टू कर देता हूँ। अब माइनस टू तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी, अब मैं करता क्या हूँ मैं डाटा प्रिंट करता हूँ। उसने इसकी जगह मुझे इस लोकेशन पे गार्बेज वैल्यू दे दी। अब मैं इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ, पहले थी वन मैंने माइनस टू की जो मैं नहीं कर सकता था तो उसने किया गया यहाँ मुझे गार्बेज वैल्यू शो कर दी। मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, पक्की बात है गार्बेज वैल्यू आएगी सही है। बाकी पूरा डाटा ठीक आ रहा है देखो, बाकी एवरीथिंग इज ओके, जीरो है थ्री है फोर है, बट उसने यहाँ पे क्या किया है मुझे गार्बेज वैल्यू दे दी है क्योंकि मैं कर नहीं सकता था। हाँ अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट कर देता हूँ, अब देखो उसे कोई मसला नहीं मुझे देने में, उसने मुझे वहाँ पे माइनस टू दे दिया है। ये अनसाइंड साइंड की कहानी होती है ठीक है। ये हो गई कुछ इसकी डेटा टाइप्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी मैंने आपको बता दी ठीक है। तो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं एंड इसको फर्दर मूव करते हैं, एक नया सेल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं, मैं दो एरर बनाता हूँ, ये मैंने एक एरर बना ली इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेव करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं डाटा टू, डाटा टू के नाम से। और इसके बाद इसे क्या करते हैं इसे चला लेते हैं। अब क्या करते हैं डाटा इंटू डाटा टू, ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होते हैं ठीक है। उसने हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप चेक करके देख लो उसने मल्टीप्लाई किया होगा कुछ भी नहीं किया होगा ठीक है। तो जस्ट अ मिनट ठीक है जनाब। अच्छा अब ये हुआ क्या है, मैंने एक एरे ये था एक एरे ये था, दोनों के अंदर 100 एलिमेंट्स थे ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं वहाँ पे बताता हूँ जल्दी से बताऊंगा ठीक है। मेरे पास एक ही एरे है ठीक है, एक ही एरे इसके अंदर जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट ये है और ये इसका ये एलिमेंट है। सपोज कर लो बाकी वो मैं ये वाला साइड जो है रिमूव कर दूंगा। इसका एलिमेंट वाइज होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है। और इस टू को ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है आपके भाई की, इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप समझने की कोशिश करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट वाइज। वापस चलते हैं इसके ऊपर एंड नोटबुक की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा करते हैं क्या, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं इसमें माइनस करूँ ऐसे या प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हो, माइनस कर देगा प्लस कर देगा सब कुछ कर देगा ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है, एक नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, वहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंटू डाटा एंड अब देखो उसने हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये होता है स्केलर वर्सेस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो ठीक है। ये अगर आपने मैट्रिक्स पढ़े हो तो सेम ऐसे ही होते हैं। अब मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैसे होती है वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये सिंपल था इसलिए आपको बताना। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके दो मैट्रिक्स इक्वल ना हो तो फिर ये माइनस करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे माइनस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सो की जाए 1000 कर देता हूँ एंड यहाँ पे 250 कर देता हूँ, मेरा ख्याल है कि इक्वल बन जाएगा ये, हाँ बन जाएगा। अब मैं करके देखता हूँ, अब इनको चलाता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, उसने किया क्या है, ये मैट्रिक्स काफ़ी बड़ा हो गया आपको समझ नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, छोटा करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ 12 एलिमेंट्स का और 3x4 का कर लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट आइडिया है 3x4 का एंड इसको चला देता हूँ एक बार ताकि वो मैट्रिक्स चेंज हो जाए। और इसके अंदर भी जाता हूँ, इसको भी 12 एलिमेंट्स की बजाय इसको कर देता हूँ 9 एलिमेंट्स कर देता हूँ ठीक है, 9 एलिमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे 3x3 कर लेता हूँ। तो ठीक है इसको यहाँ पे भी 3x3 कर देता हूँ ठीक है एंड इसे एक बार चला देता हूँ। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हो गए, अब ये आई विल रन करता हूँ, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ ठीक है। और फ्रेंड्स कुड नॉट बी ब्रोकन टुगेदर विद द शेप्स 3x4 एंड 3x3 क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं सही है। एक बात को भी बताने वाली थी
ये 3 by 4 3 का मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स में 12 एलिमेंट्स है, वो माइनस कर ही नहीं सकता। यही मैट्रिक्स का, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो ना, उसका एक असूल होता है, उसका एक रूल होता है, वही रूल यहाँ पे आप दिएगा। एंड लास्ट थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।